आज का हमारा रेसिपी है आलू ब्रेड सैंडविच। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चलिए देख लेते हैं। इसमें ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करना और इसे चलाएं। इसे 1 से 1.5 मिनट शॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। इसे हम यूं टुकड़ों में तोड़ के डाल देंगे। इसे खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो हम ऐड कर लें। उसके बाद हम ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। और ये 3 से 4 हरी मिर्च है, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च इसमें बढ़ा सकते हो, अगर कम पसंद हो तो आप इसमें हरी मिर्च कम कर सकते हैं। इसे 1 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। उसके बाद ये मैंने 250 ग्राम बॉयल आलू लिए, इसे मैंने हाथ से मैश कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप आलू का कोई भी मोटा टुकड़ा दिखे तो आप उसे अच्छे से मैश कर लें। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए ऐड करते हैं। और रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये 1/2 नींबू। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो आमचूर पाउडर डाल दें, नींबू स्किप कर दें। नींबू डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से। अभी हमारे स्टफनी बनके तैयार है, तो चलिए अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मसाला रेडी है। ये केचप है, टमाटो सॉस और ये ग्रीन चिल्ली सॉस और ये ब्रेड के स्लाइसेस, ये मैंने 8 पीस लिए हैं। और इससे पहले मैं लगा लूँगी केचप इस तरीके से। और दूसरे साइड में मैं लगा लूँगी ग्रीन चिल्ली सॉस इस तरीके से। अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप दोनों साइडों में टमाटो सॉस ही लगा सकते हैं, और आप बिना टमाटो सॉस और बिना केचप के भी लगा सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्टेफनी, ये जो हमने आलू की रेडी किए हैं। ये देखें इस तरीके से भर लें अच्छी तरीके से।
एक अच्छी मोटी परत बना देनी है। तो ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। अगर आप आलू की कंजूसी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा आलू भर के डालें और ये इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे। तो ये हमारा सैंडविच एक बन के रेडी है और सभी को इसी तरीके से भर लेंगे। तो चलिए मैं बाकी भर लेती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं सबको मैंने भर लिया। अब चलिए इसे सेक लेते हैं। तो ये देखें मैंने तवा ले लिया है, इसे मैंने गर्म कर लिया है। मैंने इसमें देसी घी डाल दिया, इसे फैला लेंगे अच्छे से। और ये मैं अपना सैंडविच डाल दूँगी। और ऊपर से भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे घी, अच्छी तरह से फैला लेंगे और अच्छा गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। दोस्तों ये खाने में बड़े ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी ये झटपट बन जाते हैं। मुझे ये सारे बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा है। आप इसे ज़रूर बनाएं नाश्तों में, सुबह बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। इसे घी डाल डाल के चारों तरफ से सेक लें अच्छी तरीके से और क्रिस्पी कर लें। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा सैंडविच रेडी है। आप ये देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने दोनों साइड से इसे फ्राई कर लिया। अब बाकी ये इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, सेक लेंगे। तो ये देखें दोस्तों सारे सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी है। मैं इसका क्रिस्पीपन सुना देती हूँ। सुन सकते हैं कि कितना करारा। सभी को इसी तरीके से कट कर लेंगे। देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा सैंडविच आलू सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे केचप के साथ खाएं, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और बहुत ही